स्कूल कैसे जाते हो यार, आप तो सेलिब्रिटी हो गए हो स्कूल के अंदर। ऐसे ही नॉर्मल बस से हैं, बस से हाँ। तो वहाँ ऐसा नहीं होता सेल्फी वेल्फी खींच लें आपकी ऐसा हो जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, बिकॉज अभी हम हैं दिल्ली में और आज हम जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए, जिनको आप जानते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो जानते होंगे, मिस्टर अलक पांडे सर, फिजिक्स वाला के नाम से। अगर आप स्टूडेंट हो तो पक्का जानते होंगे, उनकी वीडियोज़ देखते होंगे, उनसे सीखते होंगे, और आज हम उनसे मिलने के लिए जाने वाले हैं, बिकॉज उनका अभी शो आया था एक अमेजोन मिनी टीवी पे, फिजिक्स वाला के नाम से। हमने देखा, काफ़ी इंस्पायरिंग लगा और मेरे लिए तो बहुत रिलेटेबल था, बिकॉज उसमें जो चीज़ें दिखाई गई है ना, वो सेम मेरी लाइफ की तरह लगी मुझे। तो उनसे मिलेंगे, उनसे शो के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, और स्पेशली पीयूष को मैं लेके आया हूँ, बिकॉज पीयूष स्टूडेंट है, अभी सेवन्थ क्लास में भी है, एट्थ में होगा, नाइन्थ में, टेंथ में, तो इसकी हायर स्टडीज़ होंगी, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें इसको बताएंगे वो। तो चलते अभी उनके ऑफिस में जाएंगे, उनके एम्प्लॉयज से मिलेंगे, टीचर्स से मिलेंगे, उनके रूम्स में जाएंगे। तो हाँ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और पूरा बिहाइंड द सीन सब कुछ दिखाएंगे, किस तरह से मिलेंगे उनसे, क्या क्या बातें होंगी शो के बारे में, सब कुछ। चलो अब चलते हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच गए ऑफिस, तो चलते हैं, अब चलते हैं, मिलते हैं, नोएडा पहुंच गए। तो भी गाइस लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर ऑफिस में, फाइनली ऑफिस पहुंच चुके हैं, वेट कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ बैठे हैं, तो आने वाले भाई, धक 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 हो रहा है मुझे तो, हो रहा है बहुत ज्यादा, डर लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, डर भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा एडमिशन कराने में। गाइस ये देखो, हेलो बच्चों, हाय हाय सर, क्या हाल चाल है भाई? बहुत बढ़िया, आप बताओ। अरे भाई भाई भाई, देश का टैलेंट। फोन किस तरह से फट्टी पे लगाना, मैंने भी वैसे लगाया है स्टार्टिंग में, मेरे पास भी एक रूम था नॉर्मल, जैसे मिडिल क्लास फैमिली रहती है एक, हाँ वही मम्मी की सीटी बज रही है, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, वो मैंने अपने वीडियोस में दिखाया है पहले, 4 साल पहले, वो मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया है वो सब, की ये सब हो रहा है मेरे साथ में, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ शो, तो बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ मैं एक चीज से कि हाँ, ये सब तो मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि मेरा व्लॉग चैनल नहीं था उस टाइम, तो क्या आई एम एन आर्टिस्ट, मैं स्केचिंग आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने जब पहली बार देखा तो व्लॉग से देखा, बड़ा धीमे धीमे मेरे को ये पता चला कि यू आर वेरी गुड आर्टिस्ट, ये काफी लोगों ने, मेन तो वही था, व्लॉगिंग नहीं था उस टाइम, व्लॉगिंग चैनल नहीं था, और एकदम से वीडियो वायरल, मैंने समझा कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, तो वही उसी तरह से मैंने बनाया वही इसी तरह से, और कमेंट्स पढ़ के बनाया, तो मेरी भी ऐसे वायरल जाती गई भाई साहब, जाती गई, और मेरे 3-4 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। अरे हाँ, अभी मैं संदीप सर से भी मिला था, तो भी आपके बारे में बता रहे थे, अब संदीप सर क्या, संदीप सर मैंने देखा था, आपका भी देखा था, हाँ तो मैंने आपको भी देखा था, तो संदीप सर शो में आप गए थे। सर की सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगती है पता है सर, मतलब कहाँ से, मतलब एक छोटे से रूम से स्टार्ट किया, जैसे मैंने एक छोटे से रूम से स्टार्ट किया था, और अब देखो कहाँ पे है, मतलब जुगाड़ से फोन को अटका के वीडियो बनाई थी, और आज मतलब 8,000 करोड़ की कंपनी, 8,000 करोड़ की कंपनी है, और फिर भी उसके बाद भी मतलब बिल्कुल हम्बल, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मैंने आप में ये चीज ऑब्जर्व की, मतलब किसी चीज का कोई शो ऑफ नहीं है, अभी आप चाहो तो अभी आप फॉरेन में रह सकते हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हो, आप अपनी लाइफ के लग्जरी एक्सपीरियंस ले सकते हो, जो कि आप नहीं ले रहे हो, आपको मतलब आप पढ़ाने के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपका जो पैशन है ना आप उस पर ध्यान दे रहे हो, आप पैसे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, मुझे इतना पैसा आ गया, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, सबकी अपनी अपनी लग्जरी है, तो ये मतलब काफी मोटिवेशनल है। ऑन दैट नोट मैं कहूंगा सौरभ भाई भी काफी हम्बल इंसान है, और उससे ज्यादा मुझे लगता है पीयूष की हम्बलनेस के बारे में बात होनी बहुत जरूरी है, द मोस्ट वायरल यंगस्टर ऑफ इंडिया, वी कैन से टॉडलर ऑफ इंडिया रेदर, मतलब काफी हम्बल है लोग, मतलब मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे बहुत, मतलब दिल से रिस्पेक्ट है, मतलब थैंक यू भाई, आप सर्व कर रहे हो बेसिकली नेशन को, जैसे मैं भी 12th पास हूँ, 12th पास के बाद मैंने भी कॉलेज ड्रॉप कर दिया, मैंने भी कॉलेज आप लोग मत करना ये सजेशन नहीं दे रहे, नहीं सजेशन नहीं दे रहे, मतलब बता रहे कि अपने अगर आपके अंदर कोई पैशन है, अगर आप उसमें मतलब जुनून से काम करो, जैसे सर ने किया, मैंने देखा सर शो में,
बिल्कुल जुनून से काम किया कि भाई कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी ऑफर दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है भाई, भाई मेरे को तो ये करना है, और तो करके दिखा दिया सर ने। तो मतलब वो बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब आपका प्लान क्या है व्लॉगिंग से आगे, क्या है कि व्लॉगिंग चलेगी, कुछ सोच रहा होगा ना? तो मतलब अब तो आप भी 23-24 राइट? 23। तो क्या व्लॉगिंग एंड मतलब लाइक? हां मेरे को भी ट्रैवल करना है, और ट्रैवलिंग मेरी वीडियोस में लोग एंटरटेन होने के लिए आते हैं। 10 मिनट की वीडियो है, दिन में किसी को एंटरटेन होना है वो 10 मिनट बनाने में इतना समय लगता होगा ना? पूरा दिन लगता है 10 मिनट की वीडियो बनाने में। हर दिन आप वीडियो डालते हो? हर दिन डेली। कितने दिन हो गए? ये बहुत डिफिकल्ट बात है एज अ यूट्यूबर। मैं तो टीचर भी हूँ बट हाँ यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूबर भी है। ये बहुत डिफिकल्ट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और नहीं कर पाते आप। देखो मैक्सिमम बड़े बड़े यूट्यूबर्स, आप देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत टफ होता है यूट्यूब के ऊपर, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑल्सो। कई लोग का इससे डाउनफॉल भी होता है, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते। देख लो जितने भी यंग यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, मैंने देखा बहुत से यंग यूट्यूबर्स होते हैं मेरे से, मेरे पास सेटअप नहीं है, बड़े कैमरा नहीं है, मेरे पास वो मैकबुक नहीं है कि मेरे को एडिट करना होता है। देख लो भैया मोबाइल से काम चल रहा है, भारत के थोड़े सर का भी स्टार्टिंग में मोबाइल से चला था। हाँ 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 मैं आज भी मोबाइल से प्रेफर करता हूँ भाई। अरे हाँ मेरे इतना बेकार से फोन था, वो हीट हो जाता था एडिटिंग करने में। उसको फ्रिज में रख देता था मैं, रोज रखेगा फ्रिज में। रेंडरिंग करते हुए, जब रेंडर करते था ना, रेंडर करते हुए पूरा हीट हो जाता था, बंद हो जाता था। मैं उसको फ्रिज में रख देता था ठंडा करने के लिए, फोन को ठंडा करने के लिए। तो सर का फेमस डायलॉग, हेलो बच्चो क्या हाल चाल। अरे वाह। 3-2-1 हेलो बच्चो क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो गाइस दिखाते हैं सर का स्टूडियो पूरा। आपकी आपकी वीडियोस यहीं शूट होती हैं? हाँ, मेरी मैक्सिमम। तो सर की मैक्सिमम वीडियोस यहाँ पे शूट होती हैं? अब यहाँ होती हैं जब ये सब बन गया, वरना तो रूम में ही होती थी। तो ये मेरा, हाँ ये कैमरा होता है, लाइक सामने स्क्रीन होती है, इस पे चैट्स वगैरह देख सकते हैं आपको किसी की आ रही है तो। और ये मेरी वार्डरोब है जिसके अंदर डिफेंस वाला, यूपीएससी वाला, कॉमर्स वाला, बैंक वाला, ऐसे सारे वाला इसके अंदर बन जाते हैं। बाकी आपके कितने यूट्यूब चैनल टोटल? मुझे नहीं पता, 27 होंगे, 20, 27 मैं अभी पूछ के बताता हूँ। 35। और कितने प्ले बटन हो गए आपके पास? ये देखो गाइस कितने सारे प्ले बटन है यहाँ पे। सिल्वर 10 का, गोल्डन 20 का। लेकिन भाई मतलब बहुत बहुत हार्ड वर्क है इसके पीछे। ये सबसे पहला प्ले बटन। अच्छा सबसे पहला ये है, हालत दिख रही है इसकी सबसे पहले टाइप की नहीं। तो गाइस अभी हम आए हैं 4th फ्लोर पे, ये देखो फिजिक्स वाला के 4th फ्लोर पे, और यहाँ पे सर के 3 फ्लोर है ना? हाँ 3 फ्लोर है। तो सौरभ भाई हमारे साथ आ चुके हैं और इनको हम दे रहे हैं ऑफिस टूर। तो ये है हमारे ऑफिस का 4th फ्लोर। तो यहाँ बैठती है आप मान लो सारी ऑपरेशन की टीम। टोटल कितने एम्प्लॉयज है आपके पास? टोटल टीम मेंबर हम लोग बोलते हैं तो 5,300 है। कल 5,200 देख रहे हो गाइस, स्टार्टिंग में एक रूम से आज 5,000 लोगों को जोड़ लिया। 5,000। तो यहाँ ये जो ऑफिस है नोएडा में, तो यहाँ पे होंगे अप्रॉक्स 1,000 पीपल यहाँ होंगे। बाकी अक्रॉस द इंडिया अलग अलग सेंटर्स हैं, विद्यापीठ हैं, पाठशाला है, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम है, इस तरह से अलग अलग कितने बच्चों का क्या है, कितना कोर्स कंप्लीट हो रहा है, टीचर्स की क्या रेटिंग चल रही है, ये सारी चीज़ शेड्यूल अडेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा बैकग्राउंड का वर्क चल रहा है। आपने शो देखा अपना? हाँ फर्स्ट एपिसोड देखा है। फर्स्ट ही देखा? हाँ बाकी बच्चों से प्रॉमिस किया मैंने कि हमारे बच्चे साथ देखना है यार, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब लास्ट के जो 2-3 एपिसोड्स हैं, मतलब पता इमोशनल भी है और मतलब बहुत इंस्पायरिंग है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हर किसी को देखना चाहिए, लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। तो आप देखना सर, डेफिनेटली। नहीं नहीं मैं देखूंगा, मेरा उसका रीजन है बताता हूँ ना आपको। अभी क्या है, हम लोग का चल रहा है एग्जाम सीजन, तो अगर मैं देखूंगा तो फिर बच्चा कहेगा मैं भी देखूँ। तो हमने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम दोनों बैठ के एग्जाम के बाद साथ में पूरा सीरीज देखेंगे, और इसलिए मैं भी सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। सोचो मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरा कितना मन कर रहा है जैसे देखूँ कैसी एक्टिंग की है, क्या हुआ है, वो लाइफ का वो पार्ट दिखाया है कि नहीं, ये पार्ट दिखाया है कि नहीं। कुछ कुछ शॉर्ट सामने आ जा रहे हैं वहाँ से, मुझे वेब सीरीज दिख रही थोड़ी बहुत, पर मैं अपने आप कंट्रोल करके बैठा हूँ कि एक साथ बच्चों के साथ बैठ के देखूंगा एग्जाम सीजन के बाद, बस इसके लिए रुका हूँ भाई। अच्छा अच्छा देख लो गाइस, मतलब सर की बातें देखो यार, मतलब एकदम दिल पे लग जाती है। मतलब अभी तक खुद का शो आया, खुद का नहीं देखा अभी तक, सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों के एग्जाम के लिए। हाँ यार एग्जाम्स हो जाए फिर साथ में बैठ के देखेंगे हम लोग, हम और यही सब चीजें हैं शो में, यही सब दिखाया गया कि आप बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हो, चलो ये स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम आ चुके हैं 1st फ्लोर पे। अच्छा प्लेइंग रूम, थोड़ा टीम मेंबर्स बोर हो जाते हैं ना, थोड़ा मजा ज्यादा आता है यहाँ पे। तो अब हम खेलेंगे टेबल टेनिस सर के साथ में। सर का ये टैटू बहुत फेमस है, देखो पाई वाला टैटू, और ये भी शो में है। कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग नहीं होती, सेमिनार, मतलब कॉन्फ्रेंस
ऑनलाइन जुड़ना है तो वहाँ से ऑनलाइन जुड़ गया, तो वहाँ कैमरा होता है उससे। गाइस मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना सर, सर का स्टूडियो देख के, मतलब सर का स्टूडियो देखने का मौका मिल रहा है तो काफी अच्छा लगा। आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ मैं, हमारे चीफ बिजनेस ऑफिसर अंकित गुप्ता जी। हेलो। अच्छा आप है शिवम जी जो शो में, वो आप है। गाइस ये सब कैसे हुआ, इसकी स्टोरी आपको शो में देखने को मिलेगी, पूरा स्ट्रगल एक रूम से यहाँ तक का सफर पूरा। The foundation team, बेहतरीन performing foundation team है भारत की। भारत की अभी तक किसी भी organization की 9th 10th की team इतनी तेज grow नहीं की है, खतरनाक पढ़ाते हैं भाई। Congratulations सबको। तो अब हम आ चुके हैं 8th floor पे। ये 8th floor है। यहाँ हमारी strategy team बैठती है, branding team बैठती है, growth team बैठती है, marketing team बैठती है, तो all those teams sit here। तो भी गाइस पूरा स्टूडियो घूम लिया है, फिलहाल बैठे हैं सर के साथ में, सर के स्टूडियो में ये बातें कर रहे हैं। पीयूष आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? बस बढ़िया। स्कूल कैसे जाते हो यार, आप तो सेलिब्रिटी हो गए होगे स्कूल के अंदर। ऐसे ही नॉर्मल बस से हैं। बस से? हाँ। तो वहाँ ऐसा नहीं होता तो सेल्फी वेल्फी खींच लें आपकी, ऐसा हो जाए फोन कॉल लाएगा स्कूल में? नहीं तो बच्चों के पेरेंट्स आते हो छुट्टी में, ऐसा कुछ पीडीएम में होता है। और टीचर्स के आपसे गुस्सा रहती है कि तो बहुत बड़ा स्टार है, ऐसा है कि सही है चिल है? देख रहे होंगे वो भी वीडियो। बैलेंस बोलना। तो है कुछ दिक्कत है स्कूल में? होता है, हो जाता है। और शुरू शुरू में जब अचानक से फेमस होना स्टार्ट किया तब कैसा रिएक्शन था दोस्तों का? स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, मतलब सारे क्लास के बच्चे क्लास में आते थे रिसेस में, हैं मिलने भाई तू वही है तेरे YouTube पे तू, वही सीन है। और बाकी दोस्त लोग रिक्वेस्ट करते होंगे कि भैया से मिला दो, कभी भैया से मिला दो? नहीं दोस्त लोगों को फर्क ही नहीं है, ऐसे दोस्त बनाए मैंने। वो ढूंढने पड़ते हैं ना दोस्त, दोस्त की तरह है भाई तू, तभी तो मुझे कुछ समझ मत। इसकी वो आदत है झंड करने वाली सबकी। कुछ और साइंस का एक बढ़िया वीडियो दिखाते हैं आपको, हमारी टीम बना रही है कुछ नया, बना रही है हमारी आजकल फाउंडेशन टीम है, बहुत टैलेंटेड टीम है, एकदम नई चीज बनाई है, आपको दिखाते हैं। पीयूष को कुछ दिखा रहे हैं, चलाओ। सरप्राइज है वैसे, अभी बहुत सारे बच्चों को इसका सरप्राइज अभी मिला, आज तक हम लोग ने दिखाया नहीं है। तो ऐसा लगता है पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत भी है, अब क्या करेंगे यार, चल तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अभी तो बड़ी क्लासेस में आ रहा है, अब आपकी जरूरत पड़ने वाली है इसको। तो सभी लंच यहीं करते हैं, सभी लंच, सभी लो सब। खाने की अनबॉक्सिंग, चावल दाल पनीर। तो भी गाइस खाना वाना हो चुका है, बातें बातें सब कुछ हो चुके हैं, तो फाइनली जा रहे हैं। बहुत अच्छा भी लगा आपसे मिलकर, अरे बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच हमसे मिलने के लिए। नहीं नहीं हमें बहुत मजा आया, आप यार आए, मजा आ गया एकदम। देख लो गाइस सर हमको छोड़ने जा रहे हैं, इंश्योर कर ले वापस ना आ जाओ, शाम का खाना नहीं है। बाय सर, बाय 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 बाय। तो फाइनली आ चुके हैं बाहर, अब चलते हैं होटल। भाई आज का दिन काफी बेस्ट था, काफी कुछ सीखने को मिला, पूरा स्टूडियो देखा भाई, भाई मतलब मजा आ गया। इतने बड़े टीचर है हमारे साथ में बैठे, खा रहे थे हमारे साथ में, घूम रहे थे। तो भी गाइस रूम पे पहुंच चुके हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि शो आप कैसे देख सकते हो, जिस शो की हम बात कर रहे हैं ना, पूरी लाइव स्टोरी अलख पांडे सर की, तो किस तरह से देख सकते हो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये है अमेजोन ऐप, इसको ओपन करना है आपको, और ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे मिनी टीवी, तो इसको ओपन करना है आपको मिनी टीवी को इसको, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा देखो ये फिजिक्स वाला है ना। तो गाइज मैं तो बोलूंगा ये शो सबको देखना चाहिए, सबके लिए काफी इंस्पायरिंग है, मुझे तो काफी अच्छा लगा, साहिल पीयूष सबको काफी अच्छा लगा, होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा, तो जरूर देखना। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, मेरे को तो बहुत मजा आया सर से मिलके। मिलते गए जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अभी ऊपर चलाया था भाई, क्यूट है ये। Like a queen.